32 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा खुद 26 दिसंबर को इंदौर आकर उनके हक की राशि देंगे। कल सीएम से मिलकर का बकाया 464 करोड़ रुपए देने की फाइल पर दस्तखत कर दिए। इस खबर के बाद श्रमिकों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। हालांकि अपने साथियों के चले जाने का गम भी है। 12 दिसंबर 1991 को अचानक बंद कर दी गई हुकुमचंद मिल के 5,885 श्रमिक तब से दर दर भटक रहे हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरेंद्र शिवंशी ने बताया कि अब तक 2,500 से ज्यादा श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है और 70 श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने पैसे के अभाव से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। आज भी ऐसे कई श्रमिक हैं जो लाइलाज बीमारी या इलाज के पैसे न होने की स्थिति में बिस्तर पर जीवन काटने को मजबूर हैं। उनकी आंखों में वर्षों से बस यही सवाल तैर रहा है कि आखिर कब उनके हक का पैसा मिलेगा। लेकिन आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जब उनके हक का पैसा उन्हें मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उन्हें पैसा देने की फाइल पर दस्तखत कर दिए। वे 26 दिसंबर को इंदौर आ रहे हैं और संभावना है कि इस दौरान हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को अपने हाथों से राशि वितरित करेंगे। हाईकोर्ट ने हुकुमचंद श्रमिकों के लिए 229 करोड़ रुपए का क्लेम मंजूर किया था, जिसमें से 50 करोड़ रुपए सरकार से श्रमिकों को दिलवाए थे। शेष 179 करोड़ में से मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने 174 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। श्रमिकों ने इसके अलावा सरकार से 88 करोड़ रुपए ब्याज की मांग भी की थी। इसमें से शिवराज सरकार की आखिरी कैबिनेट ने 44 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इस प्रकार श्रमिकों को कुल 223 करोड़ रुपए वितरित होंगे। बोर्ड ने इसके अलावा विभिन्न बैंकों के बकाया राशि भी मिलाकर कुल 464 करोड़ रुपए दे दिए हैं। बदले में हुकुमचंद मिल की कुल 42.5 एकड़ जमीन ले ली है। इस जमीन पर या तो आईटी पार्क या फिर आवासीय योजना लाई जाएगी। आचार संहिता के दौरान भी श्रमिकों को भुगतान की प्रक्रिया जारी रही और अब नई सरकार ने इस पर संज्ञान लेकर श्रमिकों के चेहरों पर हंसी खुशी लौटा दी है। भारतीय न्यूज़ के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। बत्तीस भगवान राम का वनवास भी 14 साल में खत्म हुआ था। ये 32 वर्षों से अधिक है, 33वां वर्ष लग गया है और वो 32 वर्ष बाद मजदूरों को न्याय मिला है। देर से मिला न्याय, अन्याय तो होता है, लेकिन ठीक है, हमें पैसा मिल रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से महापौर जी को, जिन्होंने प्राथमिकता से एक साल पहले कहा था कि मैं जितना जल्दी होगा मैं उतनी जल्दी करा दूंगा, और उनके अथक प्रयास से ये काम हो गया है और मजदूरों को आज पैसे मिलने की स्थिति है। कुछ समाचार पत्रों में छपा है कि 464 करोड़ मजदूरों को मिलेगा, तो मैं आप स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 464 करोड़ जो हुकुमचंद मिल के 17-18 लेनदार हैं, बैंक वगैरह, वो है मजदूरों का 217 करोड़ 90 लाख है, उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है और वो पैसा मजदूरों को मिलेगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही परिसामक अधिकारी के पास से हमें सूचना मिलती है कि फार्म भरने की कार्रवाई करो, तो हम कर लेंगे दिन रात, तो बैठ के हम एक दिन में 300-400 फार्म भर के और ऑफिस से लिक्विडेशन को सबमिट करेंगे। हमारी भी कोशिश है कि जनवरी नहीं तो 15 जनवरी के पहले भुगतान चालू हो जाए। अब इसमें जितनी मदद परिसमापक अधिकारी की मिलेगी, क्योंकि पैसा रिलीज वहाँ से होना है। इन्होंने तो माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से अभी से लिक्विडेटर के अकाउंट में पैसे जमा हो गए हमारे, लेकिन उसकी प्रक्रिया लंबी है। जीवित वाले उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो मेंबर है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिनका निधन हो गया है यानी चौथी पीढ़ी पैसा लेने आ रही है, ना पोते पोती आ रहे हैं, नाना नानी का पैसा लेने आ रहे हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनके इन्वेंट्री बांड बनता है, उसके अंदर पूरे परिवार की सहमति आती है, उसके अंदर जो पत्नी है उसके लिए उस पर विधिक अधिकारी नियुक्त होता है हाईकोर्ट द्वारा, विधिक अधिकारी एक एक चीज़ देखता है, और जो थर्ड पार्टी बच्चे हैं जो माता पिता दोनों शांत हो गए उसके ऊपर वो पब्लिकेशन में हो जाता है। पब्लिकेशन के बाद वो कितने मजदूर हैं जिनको पैसा मिलना, 5,895 मजदूर हैं, इनको सबको पैसा मिलना, 217 करोड़ 90 लाख रुपये मिलना है। जो माननीय महापौर की भूमिका तो स्वागत योग्य रही है, उनका विशेष रहा है। हमारी 1650वीं बैठक अभी रविवार को होगी, वो एक अपने आप में एक यादगार होगी, क्योंकि पैसा जमा केस वापस ले लिया नहीं, केस तो अभी हमारा चलता रहेगा, क्योंकि हमारे हुकुमचंद मिल की 28 दुकान क्लाथ मार्केट में है और उसका कब्जा माननीय अभी तो जो 100-150 साल पुराने किराएदार हैं उसमें वो, लेकिन वो हमारा केस चल रहा है हाईकोर्ट में, वो दुकानें बिकेंगी उससे मजदूरों को पैसा मिलेगा, जब भी बिकेगी। नरेंद्र श्रीवंश, अध्यक्ष हुकुमचंद मिल मजदूर कर्मचारी अधिकारी समिति। फैसला आने वाला है, इस ऐतिहासिक दिन में माननीय न्यायालय का फैसला आ चुका है,
और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कल ऐतिहासिक हस्ताक्षर करके मजदूरों का पैसा रिलीज करने की अनुमति दी है, उस आधार पर आज माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों के सहयोग को, उनके किए हुए काम को सराहना करते हुए ऑफिशियल लिक्विडेटर को निर्देशित किया है कि जो पैसे आपके खाते में आए हैं वो तुरंत मजदूरों के खाते में जाएं, इसकी प्रक्रिया अपनाकर उसको रिलीज करें। आज का दिन इंदौर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी का प्रयास, उनका सहयोग, मजदूर यूनियन का 40 साल का संघर्ष, 1650 से ज़्यादा बैठक, नगर निगम का, पूरी परिषद का, पार्षदों का प्रस्ताव कि हम जमीन हाउसिंग बोर्ड को प्रोजेक्ट के लिए देंगे और हाउसिंग बोर्ड का विशेष सहयोग कि वो वहाँ अपफ्रंट बनी मजदूरों और बैंकों की दे रहे हैं, वकीलों ने जो मजदूरों के लिए संघर्ष किया, इन सब की परिणति है कि ये 40 साल पुरानी लड़ाई, विशेषकर उन मजदूरों की जिनके परिवारों के लिए सबसे बड़ी आस थी घर की शादी करने के लिए, खुद का मकान खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मुझे लगता है कि अब वो पूरी हो जाएगी। इसमें लगने वाले सभी लोगों का मैं प्रथम नागरिक होने के नाते धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करता हूँ, और इस बात का खेद भी करता हूँ कि हम इतने साल इस समस्या को नहीं हल कर पाए, पर अंत भला तो सब भला, देर आए दुरुस्त आए। इंदौर के लिए एक नई दृष्टि से जो संकल्प था कि इंदौर मील से निकलकर मॉल का क्षेत्र बने, बस्ती से निकलकर बिजनेस सेंटर का क्षेत्र बने, वो संकल्प भी जो हमने मेयर चुनाव में लिया था वो भी अब पूरा होगा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।